आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले जो निम्नलिखित कार्यालय हैं या प्रतिष्ठान हैं, ये इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे, जैसे कि विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी और कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा व बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा, बिजली, पेयजल, नगर निगम और नगर पालिका की सेवाएं, बैंक और एटीएम की सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, टेक अवे और होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, दवा की दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, उत्पादक एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और उपायुक्त के अनुमति के उपरांत ही ये अपनी गतिविधियां चालू कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा व्यक्ति जमावाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कहने का अर्थ है कि एक बार में एक जगह पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति उपस्थित नहीं रह पाएंगे। निजी प्रतिष्ठान, जो कि हमने अभी जिन सेवाओं के बारे में बात की, अगर उनका जो भी कार्य है वो कोरोना वायरस के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, वो खुले रहेंगे। उन्हें सभी स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करना होगा और इसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर हमारा जो टास्क फोर्स है, जो रिस्पॉन्स टीम है, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय, वो जिम्मेदार होंगे इसको इफेक्टिव करने के लिए। आज स्वयं मैं, एसपी साहब और हमारी पूरी जिला की टीम, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, हम सभी ने आज शहर का राउंड लिया और काफ़ी सारी दुकानें पहले से ही बंद हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि काफ़ी सारे लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं। आप सभी से पुनः अपील है कि कृपया अपने घरों में रहें, बिल्कुल भी घर से ना निकले जब तक कि ज़रूरी ना हो। एक और आवश्यक जानकारी ये है और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि काफ़ी सारी काला बाजारी और होर्डिंग की गतिविधियां देखी जा रही हैं। लोगों को ये फिर से क्लियर किया जा रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज की सभी दुकानें खुली रहेंगी कि ज़रूरी ना हो। एक और आवश्यक जानकारी ये है और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि काफ़ी सारी काला बाजारी और होर्डिंग की गतिविधियां देखी जा रही हैं। लोगों को ये फिर से क्लियर किया जा रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज की सभी दुकानें खुली रहेंगी। कई सब्जी वाले की शिकायतें आ रही हैं कि वो लोग बहुत हाई रेट पे सब्जियां और फल बेच रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग एक नीति बना रहे हैं। हम लोग यहाँ रेट फिक्स करके उसका हम लोग उसको आपको बताएंगे और उन पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। सभी को ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी के क्रम में अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भी जानना आवश्यक है कि कोरोना वायरस से संबंधित जो भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उसका अनुपालन नहीं करता है तो आईपीसी 1860 की धारा 188 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई करने का पूरा प्रावधान है। तो आपसे फिर से अनुरोध है, अपील है कि कृपया हमारा सहयोग करें। ये हम सभी के लिए है, एक क्रिटिकल और एक चैलेंजिंग स्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं और आपके सहयोग से हम लोग इसको ज़रूर हम लोग टैकल कर पाएंगे, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। तो कृपया हमारी बात माने, जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने घरों में रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।